करते हैं आज की क्लास। तो अभी हमारे पास जो है हमारे क्लास का टॉपिक है एडिशन, एडिशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारे पास जो है इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो कुछ मैं पहले एग्जांपल से बताता हूं और सब चीजें सिखा लूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला लिखा है क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐड, ये ऐड करने को कहा गया है पहला 7x² माइनस 4x और प्लस का 5, और इसके बाद एंड यहां पर है 9x माइनस का 10। हमें इसे ऐड करना है। ऐड करने के दो मेथड, एक मेथड होता है रो मेथड, एक मेथड होता है कॉलम मेथड। तो मैं दोनों तरीके से इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहला एक मैं स्टार देकर के नंबर एक पहले बता रहा, जिन नंबर जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है उन्हें हम बस बीच में प्लस साइन लगा करके लिखते हैं नंबर एक पर। तो हमने सबसे पहला काम किया 7x² माइनस 4x प्लस 5, और एंड की जगह पे हमने क्या लिखा, प्लस, उसके बाद 9x माइनस का 10। जिन दो एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना था तो सबसे पहला काम हम उसमें क्या करते हैं, जहां पर हमारा एंड लिखा है वहां पर उसे हम प्लस साइन लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, वो बताया था लाइक टर्म। तो लाइक टर्म को एक जगह लिखा जाता है, कुछ करते नहीं है, पहले लिखिएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो अब देखिए, पहले तो हम नंबर एक स्टेप में यहां लिखेंगे 7x². अब x स्क्वायर कहीं कुछ है तो कहीं भी x स्क्वायर नहीं है तो हम उसको आगे कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद है अगला है माइनस का 4x, तो 4x है, 4x का लाइक टर्म क्या है 9x, तो 9x को भी हम पास में लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लस का यहां पर 5 माइनस का 10। हम इसमें इस स्टेप में जितने भी लाइक टर्म होते हैं, एक जैसे टर्म होते हैं साइन के साथ, उनको एक पास पास लिखते हैं ताकि जो है हम उसे सॉल्व कर सकें। अब आपको देखना है बच्चों, यहां पर हमारे पास हो गया 7x², अब ये 4x है माइनस का और ये 9x, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है और साइन हमेशा बड़े वाले की लिखी जाती है। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और साइन 9 की लिखी जाएगी, ये कौन सी साइन है, प्लस, तो प्लस का यहाँ पर 5x, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, ये माइनस का 10 है, यहाँ भी अपोजिट साइन है, बड़ा कौन सा है, 10 है, तो 10 में से 5 को माइनस कर देंगे और साइन किसकी लिखी जाएगी, 10 की, तो माइनस का ये क्या हो गया 5, ये आपका आंसर। तो ये जो मेथड है इस मेथड को बोलते हैं रो मेथड, यानी सबको रो रो में लिख करके इसे सॉल्व कर देना। अगला हम इसी मेथड को बताते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या करते हैं, कॉलम मेथड में 7x² माइनस 4x प्लस का 5, यानी कि पहले स्टेप को टॉप पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में 9x है, तो ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखा जाता है साइन के साथ। तो यहाँ पर 9x है, तो 9x कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे 9x माइनस का 10 है, माइनस का यहाँ पर 10, और इसे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस करने में देखिए यहाँ भी वही काम करते हैं, 10 में से 5 माइनस होगा तो माइनस का 5 हो गया, 9 में से 4 माइनस हुआ ये भी प्लस का 5x हो गया, और यहाँ पर 7x² हो गया। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप जो है इसे कर लेते हैं। जनरल वे में सामान्यतया जो है हर जगह रो मेथड ही, ऊपर वाला मेथड ही अक्सर यूज किया जाता है। कॉलम मेथड जो है थोड़ा सा ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। गौरांश कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, गौरांश कुमार बोलिए। सर वो क्वेश्चन बताऊं, सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बेटा। सर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश इक्वल ईच अदर, सर उसमें ऑप्शन भी दिया है सर, इक्वल टू
या अनइक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ और नॉन ऑफ दिस इक्वल टू अनइक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर एंड नन ऑफ दिस ये चार ऑप्शन थे ना यस सर हाँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सर इक्वल टू भी तो हो सकता है ना सर हो सकता है लेकिन जो है जो आपका परफेक्ट जो है आंसर इसमें चार ऑप्शन है ना इक्वल क्या होता है ना इक्वल में हमारे पास स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वे इक्वल तो होते हैं देखिए इक्वल दो आपके क्वाड्रेटर होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेटर इज रेक्टेंगल सेकंड क्वाड्रेटर आपका जो है स्क्वायर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल आपके जो है इक्वल होते हैं बट आपके जो है परफेक्ट स्क्वायर और ये के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ठीक है ओके सर आपका भी सही है लेकिन जो है क्योंकि एक में से उसमें केवल एक ही सिलेक्ट करना आता है तो परफेक्ट आंसर आपका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दैट क्लियर ओके सर तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा अब ये हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में द फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया अब हम क्या करें इसे नेक्स्ट हम इसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे इसी क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 9x माइनस 10 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 अब ध्यान सुनो बच्चों ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसके बाद एक्सरसाइज में शुरू करूंगा तो आप जो कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन 9x माइनस 10 इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में से माइनस कर रहा है ठीक है फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड में से माइनस करना है यानी कि हम जब इसको अगली बार लिखेंगे रो मेथड में तो यहां पर आपके पास हो गया इंप्लाइज दैट 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और इसके बाद माइनस 9x माइनस का 10 ये हमारे पास हो गया अब हम क्या करते हैं देखो बच्चों किसी भी ब्रैकेट में ब्रैकेट से पहले अगर निगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो है सभी एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या साइन यहाँ पर 9x 9x इज पॉजिटिव 10 इज माइनस का निगेटिव साइन इफ वी चेंज 9x निगेटिव एंड 10 इज पॉजिटिव हम दोनों को चेंज करके अगले स्टेप में लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 10 ठीक है हमने इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया अब फिर से वही काम लाइक टर्म को एक जगह लिखना अनलाइक टर्म को हम अलग अलग लिखना जैसे देखते हैं पहला नंबर एक फर्स्ट हियर 7x स्क्वायर अब 7x स्क्वायर में एक्सप्रेशन में कहीं भी नहीं है सो 7x स्क्वायर छोड़ दिया माइनस 4x माइनस का 4x एंड अगेन माइनस का 9x 4x एंड 9x वो थारा लाइक टर्म ये कैसे टर्म है दोनों लाइक टर्म है एंड 5 प्लस 10 हियर द 5 प्लस 10 नाउ स्टूडेंट्स हियर 7x स्क्वायर माइनस एंड 4 9 9 4 कितना हो गया 9 एंड 4 इज 13 माइनस 13x प्लस 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके तो ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन है ये हमने आपके सामने जो है इस एक्सप्रेशन को करके आपको दिखा दिया अब बच्चों एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमने जो है कुछ एग्जांपल्स देते हैं कुछ उसके टर्मिनोलॉजी होती है वे सब मैंने आपको वन बाय वन करके हमने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया अब हम इसे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में आपको ध्यान से सुनना है और आपको समझना है तो देखिए बच्चों हेयर नंबर एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 द फर्स्ट वन इज हेयर द 5xyz स्क्वायर एंड माइनस का 3zy दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट in this question identify the term and their coefficient of each of the following expression isme terms ko hame jo hai extract karna hai to yahan par hamare paas ho gaya term
और यहां पर हो गया हमारे पास कोफिशिएंट टर्म। हमारे पास देखिए कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज अ फर्स्ट टर्म 5xyz2, 5xyz2 इज द फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म, हियर द -3zy इज अ सेकेंड टर्म। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं बच्चों, इस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में कोफिशिएंट जो है उसका कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है, ऐसा कांस्टेंट नंबर जो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दैट इज अ कोफिशिएंट। हियर इन दिस एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट इज अ 5, इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट इज अ 3। तो आपके पास जो है ये हमारे पास इस आपके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जो है टर्म को भी डिफाइन कर दिया और टर्म के कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? जिसके मन में कोई डाउट है वो हैंड रेज कर सकता है, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। यस, वन क्वेरी, क्या नाम? हाँ, क्रिस चिल्लर, बोलो बेटा, वीडियो ऑन करें फिर बोले। क्रिस सर। हाँ सर। सर आवाज आ सर, ये आपने 9.1 बताया सर, वो वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। ये दोबारा बताना, ओके मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। यहाँ पर देखिए एक होते हैं कनेक्टिंग साइन, कनेक्टिंग साइन हमेशा क्या कहलाता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। किसी भी एक्सप्रेशन में कनेक्टिंग साइन से मिलकर के जितने वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। यहाँ पर कनेक्टिंग साइन एक माइनस है, ठीक है, इसको इसको कनेक्ट करने वाला क्या है, माइनस का साइन। अगर कुछ और होता है यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता, तो कनेक्टिंग साइन को छोड़ करके जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वे सारे एक्सप्रेशन टर्म कहलाते हैं विद साइन, साइन के साथ। तो ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म, दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया। अब टर्म में जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट होता है, वो कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसको मैं बारी बारी से एक क्वेश्चन में क्लियर करूंगा जिससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। So now students, here the second one is, here the second is 1 plus x plus x square, 1 plus x plus x square, here the term is, listen, the term is 1 and here the x, here x square and the coefficient. कोफिशिएंट इज 1 का कोफिशिएंट 1 होगा, x का प्रोडक्ट क्या है 1 है, x स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है 1। तो आसानी से हम इसके टर्म को लिख सकते हैं, इसमें तीन टर्म थे तो हमने तीनों को लिखा, और अगले वाले में हमारे पास जो है कि 3 टर्म है। हियर द थर्ड वन इज, द थर्ड वन इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास जो है द फर्स्ट इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस यहाँ पर z स्क्वायर, इन सभी के कोफिशिएंट क्या होंगे इनको भी देखना है ध्यान से बच्चों। द कोफिशिएंट इज 4, कोफिशिएंट इज माइनस 4 एंड कोफिशिएंट इज 1, एंड हमने जो है इसे आपको इस एक्सप्रेशन को आपके सामने हमने इस तरह से इसे बना करके हमने दे दिया। तो दिस इज अ थर्ड पोर्शन, थर्ड वन इज द कोफिशिएंट एंड टर्म्स इज, फर्स्ट वाला जो टर्म है ये टर्म है निकाल रखा है, फर्स्ट जो भी होगा वो टर्म का होगा, सेकंड वाला होगा उसका कोफिशिएंट। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, द फोर्थ वन इज हियर 3 माइनस पी क्यू, 3 माइनस पी क्यू and plus qr and minus rp, okay? So here the term is, three minus pq plus qr and minus ka rp, और अब ये हमारे सभी इसके टर्म है। 3 का कोफिशिएंट 3 खुद ही होगा, हियर द -1, दिस इज द 1, हियर इज द -1,
तो हमने उसके टर्म लिख दिए, उस टर्म का हमने कोफिशिएंट भी लिख दिया। अब इसके बाद नंबर आता है द नंबर वन, नंबर इज अ फिफ्थ, x by 2 प्लस हियर द y by 2, माइनस एक्स वाई, हियर द x by 2 एंड y by 2 एंड इज माइनस xy, दिस इज द हमारे पास टर्म हो गया है, हियर 1/2 इज द कोफिशिएंट, 1/2 इज द कोफिशिएंट, माइनस 1 इज द कोफिशिएंट। तो हमने जो है इन सभी के टर्म भी लिख दिए और इसके क्या लिख दिया हमने, कोफिशिएंट भी लिख दिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में हियर 0.38, द सिक्स्थ वन इज 0.3a माइनस 0.6ab एंड प्लस 0.5b, ये हमारे पास है। हम इसको फिर से लिखें, 0.3a एंड 0.6bab एंड यहां पे 0.5b और यहां पर देखिए ये आपका हो गया 0.3, 0.6, 0.5, this is the term and this is a coefficient। तो हमने जो है इसमें बारी बारी से टर्म भी लिखिए और कोफिशियंट भी लिखिए। किसी स्टूडेंट्स को इसमें टर्म और कोफिशियंट की वैल्यू को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ एनी क्वेरी देन यू आस्क योर क्वेश्चन, फर्स्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू मे आस्क योर क्वेश्चन एंड योर प्रॉब्लम। एनी क्वेरी बेटा? Yes, या नो? समझ में आ रहा है सबको? ओके, हियर ये अभी आपके पास जो है, कल मैंने क्वेश्चन बताया था कि अब हमारे पास, हम इसमें एक्सप्रेशन में हमें टर्म भी मालूम चल गए, एक्सप्रेशन में टर्म्स के कोफिशिएंट भी मालूम चल गए, लेकिन जो है इसमें कुछ नाम जो है हम आपको समझाएंगे। तो जिसमें लिखा है कि दिस इज अ पॉलीनोमियल, द पॉलीनोमियल इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अदर इफ नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस एंड दिस इज अ कैटेगरी, तो हम उसको क्या लिख देंगे, पॉलीनोमियल लिख देंगे। तो देखिए आपको पहला काम जो होता है, फर्स्ट होता है नंबर एक, क्वेश्चन नंबर टू इज मोनोमियल, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में टर्म्स वन होंगे, टर्म वन, बाइनोमियल में हमारे पास टर्म कितने होंगे, टर्म टू होंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हियर अब हम इसके बेस पर हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। मोनोमियल को मैं m लिखूंगा, बाइनोमियल को b लिखूंगा और ट्राइनोमियल को t लिखूंगा। तीनों नाम की स्पेलिंग, फर्स्ट लेटर अलग अलग है, सिंबॉलिक रूप में हम इसको देखेंगे और लिखते हुए चलेंगे। पहला है x प्लस वाई, हियर द x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई में नंबर ऑफ टर्म इज 2। इफ नंबर ऑफ टर्म इज 2 द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल b। हमने इसे क्या लिखा, b लिखा। फिर लिखा है 1000, हियर द वैल्यू इज 1000, 1000 में नंबर ऑफ टर्म 1 है, 1 टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, तो यहां हमने क्या लिखा है, इसे m लिखा, ठीक है। x plus x square plus x cube plus x के पावर 4, यहां लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 हैं, लेकिन यहां पर हमने तो केवल 3 टर्म का नाम लिखा है, तो ये 4 टर्म वाले एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। इसको क्या लिख देंगे, पॉलीनोमियल, यानी कि इसको हम लिखेंगे p, ठीक है, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल्स में हमने जो है इसको फिट कर दिया, जो एक टर्म वाले थे मोनोमियल, दो टर्म वाले बाइनोमियल, तीन वाले ट्राइनोमियल और बाकी को हमने लिख दिया पॉलीनोमियल। अगला है 7 + y + 5x, 7 + y + 5x दैट इज इक्वल टू ट्राइनोमियल, 2y - 3y²
2y minus 3y square, this is a binomial. Or 2y minus 3y square plus 4y cube. 2y minus 3y square minus 4y cube. This is a trinomial. This is the three term. Trinomial. And 5x minus 4y plus 3xy. 5x minus 4y plus 3xy. This is a trinomial. Interval. And one more term. 4z minus 5z square. 4z minus the 15z square. This is a binomial. B. And AB plus BC plus CD plus DA. AB plus BC. AB plus BC plus CD plus DA is equal to. ये आप देख रहे हैं, इसमें कहीं फिट नहीं हो रहा है. This is a polynomial. ये हमारा क्या हो गया? Polynomials हो गया. ठीक है? और PQR. Here PQR. ये हमारा है monomial. एक टर्म है, इसमें मोनोमियल लिखेंगे. पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. दिस इज अ बाइनोमियल. दिस इज अ बाइनोमियल. टू पी प्लस टू क्यू. टू पी प्लस टू क्यू इज इक्वल टू. दिस इज अ बाइनोमियल. तो हमने आप देखा इसमें कि केवल नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट करें. तेजस चौधरी कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा. तेजस चौधरी आस्क योर क्वेश्चन. सो व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल? यस बेटा. सो व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल? क्वाड्रिनोमियल एक बेटा देखिए, क्वाड्रिनोमियल एक क्वाड्रिलेटरल होता है. ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. और ये जो है जो नॉमिनक्लेचर होता है बेटा ना पॉलीनोमियल्स का, एक तो होता है उसके जो है टर्म के बेस पर, फिर इसके बाद होता है आपके उसके डिग्री के बेस पर. तो डिग्री के बेस पर आप अभी अगली क्लास में नाइन्थ में और टेंथ में पढ़ेंगे. तो डिग्री में आपका जो है पहला एक वन डिग्री है तो लीनियर बोलते हैं, सेकेंड डिग्री है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, थर्ड डिग्री है तो क्यूबिक बोलते हैं, इसी तरह से फोर डिग्री फाइव डिग्री ऐसे बोलते हुए आगे चले जाते हैं. ठीक है सर, डिग्री क्या होगा सर? पावर. क्वाड्रेटिकल आता है सर. डिग्री मीन्स पावर सर. हाँ, मैक्सिमम द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिग्री बोला जाता है. ठीक है सर. जैसे ये पी पी स्क्वायर क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू है तो सर इसमें क्या होगा? कौन सा बेटा सर? ये वाला हमारे पास. तो देखिए इस पॉलीनोमियल में दो डिग्री दो पावर है, दो पावर होल पावर मिलकर के इसकी फोर हो गई. फोर पावर है उसकी डिग्री फोर हो गई. तो अभी जो है क्योंकि वो जो है हमारे पास डिग्री जो है वन वेरिएबल में होता है, यहाँ पर आपके जो है थ्री वेरिएबल एस में एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें जेड भी है. अभी और हम इसके बारे में क्लासिफिकेशन करेंगे. पॉलीनोमियल को आप स्पेशली जब पढ़ोगे ना तब जो है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी. अभी केवल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं. बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है बेटा. इनिशियल स्टेज मतलब यानी हमें टर्म को काउंट करना है. टर्म मतलब कि ये कितने टर्म है, बस ऐसे काउंट करना है. दो टर्म है, इसमें हमारे कितने टर्म है, इसमें चार टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें भी चार टर्म है. ऐसे टर्म को काउंट करके टर्म के बेस पर उसका नाम लिखना है. बस इतना ही हमारे अभी के सिलेबस में. ठीक है बेटा. और बाकी की इंफॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा नॉलेज में काउंट होगी. यानी कि आप इंटेलिजेंट हो, उस इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए आपने जो है एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ी. तो आप जो है पढ़ सकते हैं, नाइन्थ की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, टेंथ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और नाइन्थ की मेरे पास जो है वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उनमें आप देख सकते हैं. वो सब मैंने क्लासिफाई कर रखा है. ठीक है. टर्म के आधार पर और जो है डिग्री के आधार पर पॉलीनोमियल का नाम कैसे लिखा जाता है वो सब मैंने बताया. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया. इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को? No. Now students, here question number third. अब हम इसमें question number third के तरफ हम चलते हैं. और third question क्या है? इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस manner में मैं लिख रहा हूँ, उस manner में अगर आप भी लिखेंगे तो आपसे mistake जो है बिल्कुल minimize होगी. बिल्कुल minimum mistake.
जीरो मिस्टेक, जीरो एरर, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहा गया है एड, एडिशन हमें करना है। पहला लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है नंबर ए, फर्स्ट लिखा है ए बी माइनस बी सी कॉमा, यहां पर बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, ये हमारे पास जो है पॉलीनोमियल्स दिए गए। अब इनको हमें ऐड करना है, ऐड का मतलब क्या होता है प्लस करना, प्लस का मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन। तो जहां जहां इसमें ये तीन टर्म है, तीन एक्सप्रेशन है, तीनों एक्सप्रेशन को प्लस करना है, बस हमें क्या करना है कॉमा को रिप्लेस करके पॉजिटिव साइन वहां पर पुट करना, कॉमा को रिप्लेस करके पॉजिटिव साइन पुट करना। हियर ए बी माइनस बी सी, ये कॉमा था ना, यहां भी क्या लिख देंगे प्लस, ओके हमें ऐड करना है, यहां लिखा है बी सी माइनस सी ए, यहां भी कॉमा है, यहां भी क्या लिख देंगे प्लस, और यहां पर सी ए माइनस का ए बी, ये पहला स्टेप में जहां जहां कॉमा को रिप्लेस करके हमें पॉजिटिव साइन वहां पर पुट करना है, कॉमा हटा करके पॉजिटिव साइन को पुट करना, नंबर एक पर। नंबर टू, अब हम लाइक टर्म को एक जगह लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां ढूंढेंगे ए बी लिखा है, तो अब पूरा ढूंढिए कहीं ए बी और है, यहां भी ए बी है माइनस का ए बी, हम लाइक टर्म को पास पास लिखते हैं ताकि हम उसको जो है सॉल्व कर सकें। फिर इसके बाद है माइनस बी सी, तो बी सी बगल में ही था, और यहां हो गया माइनस सी ए प्लस का सी ए यहीं पर था, हमने लाइक टर्म को सभी को पास पास लिखा। सेम क्वांटिटी एक पॉजिटिव में हो एक निगेटिव में हो तो वे सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो आता है। यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि ये जो है आपका ए बी जो है ए बी से कट जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, बी सी हमारा बी सी से कट जाएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सी ए और सी ए आपस में कट जाएंगे, ये भी आपका निगेटिव है ये भी आपका पॉजिटिव है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तीन स्टेप हमने फॉलो किए, आप प्रत्येक क्वेश्चन में ये तीन स्टेप फॉलो करेंगे, नंबर एक क्वेश्चन लिखना, नंबर दो जहां कॉमा दिया गया है कॉमा को हटा करके पॉजिटिव साइन लिखना, नंबर तीन लाइक टर्म्स को सभी को केवल पास पास लिखना है, सॉल्व नहीं करना भी। जब लाइक टर्म पास पास आप लिख लोगे उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा और मिनिमम एरर होगी, कम से कम आपसे गलतियां होंगी और बिल्कुल साफ सुथरा नीट क्लीन आप क्लियर डिस्टेंस बना बना करके इसे लिखेंगे तो गड़बड़ी आपसे नहीं होगी, ओके भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, इसमें जो है इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इफ एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। चलिए तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम, सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस का ए प्लस ए सी। हम यहां पर भी क्या करेंगे, सभी जो है कॉमा को हटा करके उस कॉमा के जगह पे क्या लिखना है प्लस का साइन, हियर ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। हमने कॉमा को क्या किया रिप्लेस करके उसकी जगह पे पॉजिटिव साइन को यहां पर पुट कर, ओके स्टूडेंट। अब नाउ हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, हियर ए लिखा है तो ए कहीं और है, यहां भी ए है माइनस का ए, बी लिखा है और कहीं भी है प्लस का बी, ए बी लिखा है तो प्लस हम ए बी लिखेंगे, ए बी कहीं नहीं है, फिर उसके बाद बी सी, बी सी कहीं नहीं है, उसके बाद ए सी, हमने सबको सीक्वेंस में लिखा और एक यहाँ पर सी छूट रहा है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से सही से लिख देता हूं, मैं यहाँ पर हो गया माइनस का सी माइनस सी प्लस का सी प्लस बी सी प्लस ए बी, सॉरी टू से दिस इज द ए बी और बी सी और ए सी, हमने जो है सीक्वेंस पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं ए से हमारा ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बाकी ये लाइक टर्म नहीं है। तो अनलाइक टर्म ना प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, अनलाइक टर्म ना ही प्लस होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस
एसी दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये इसके आगे जो है सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक लाइक टर्म को सॉल्व जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म को ही कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को सॉल्व प्लस माइनस हम नहीं कर सकते, प्लस माइनस के साथ उनको एज इट इज है वैसे ही क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। ओके और कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन तो बेटा अभी मैं समय नहीं है, वीडियो कट जाएगी, अगला क्वेश्चन इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। अब आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को ऑन करें एक बार, मैं सबको देखना चाहता हूं, सभी की वीडियो ऑन है, सभी अपनी वीडियो ऑन करें स्टूडेंट्स, योर वीडियो शुड बी ऑन, ज्यादा ना पार्टिसिपेंट्स आर बहुत आते हैं स्टूडेंट्स और उसके बाद जो है ये पार्टिसिपेंट्स अपने आप चले भी जाते हैं, तो केवल भी लगता है कि अटेंडेंस के पर्पस से आना और उसके बाद जो है अटेंडेंस लगने के बाद चले जाना। तो बेटा पढ़ाई पढ़ने के लिए होती है, अटेंडेंस तो पढ़ेंगे तो अटेंडेंस तो लगी जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिस छिल्लर,